अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा आईज़ मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें ना ही हमने कोई ब्रश यूज़ करना है और ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। हमने जस्ट अपनी फिंगर्स के साथ ही काम करना है और बहुत प्यारा सा सॉफ्ट आईज़ मेकअप जो है हम क्रिएट करने लगे हैं। सबसे पहले आपने अपनी जो आईलिड है उसे अच्छे से रेडी करना है। सो यहाँ मैं स्टिक के साथ जो है आईलिड को रेडी कर रही हूँ, ताकि जितना लाइट कलर आईलिड पर होगा तो जो मैं शेड लगाऊंगी वो अच्छी तरह से इनहेंस होकर आएगा। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर आप भी इन्हें फॉलो करेंगे तो ये आप भी इस तरह से सॉफ्ट सा कोई कुर्ती है, कोई सिंपल सा ड्रेस है, उसके ऊपर अगर आप ये आईज मेकअप करोगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से आपने स्टिक अप्लाई करनी है, देन आपने पफ के साथ इसे ब्लेंड करना है। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो इसे आप अच्छे से फिक्सर पाउडर से सेट कर दोगे, देन आप अपना जो है आईज़ मेकअप स्टार्ट कर सकते हो उसके ऊपर। और आज का जो आईज़ मेकअप है वो बहुत ज़्यादा कोई महंगे आई शेडो पैलेट से नहीं करना है, हमने जस्ट हमारे पास जो लिपस्टिक है, जो भी आपकी फेवरेट लिपस्टिक है उसके साथ, ठीक है। आपने डायरेक्ट आईलिड पर कोई भी अपना फेवरेट शेड, रेड है, पीच है, पिंक है, वो अप्लाई करना है। देन आपने की फिंगर के साथ ही उसे अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग हमारी फिंगर्स के साथ होती है ना, वो कोई ब्रश नहीं कर सकता। आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और ये इजीली ब्लेंड हो जाती है। देन आपने एक डार्क शेड की जो है लिपस्टिक लेनी है, मैंने यहाँ ब्राउन शेड की ली है, उसे भी मैंने अच्छी तरह से कॉर्नर पर ब्लेंड कर दिया है। कोई मैं यहाँ ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपके सामने मैं फिंगर से ही काम कर रही हूँ। और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैंने मेरा फेवरेट हाईलाइटर लिया, ब्रो बोन पे लगाया, अच्छी तरह से ब्रो बोन को जो है इनहेंस किया, और इनर कॉर्नर पे भी मैंने यही अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा सामान होना मेकअप के लिए ज़रूरी नहीं होता, टेक्निक होना ज़रूरी होती है। तो आप ये छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स जो है फॉलो करोगे तो आप भी बहुत प्यारा मेकअप कर लोगे। वो मैंने आईलिड पर जो लिपस्टिक लगाई थी उसी पर मैंने बिल्कुल बारीक वाला जो है डस्ट अप्लाई किया है, देन मस्कारा लगाएं। मस्कारा ज़रूर अप्लाई किया करो, क्योंकि लैशेस लगाओगे तो फिर वो बहुत प्यारा सा लुक आएगा, नहीं तो नीचे से लैशेस बुरी लगती हैं, नज़र आती हैं। तो देन आती है आईब्रोज़ की बारी। आईब्रोज़ मैंने डार्क ब्राउन शेड से यहाँ पर जो है सेट की है, यही मोस्टली शेड हर फेस के ऊपर अच्छा लगता है। ब्लैक के साथ ना बनाया करें, वो बहुत ज़्यादा हार्श और बुरा लगता है, पहले बहुत चलता था अब नहीं अच्छा लगता। देन आइस के अंदर आप लगाओगे वाइट जेल लाइनर, अगर आपके पास जेल लाइनर नहीं है तो आप पेंसिल भी अप्लाई कर सकते हो। देन आंखों के नीचे हिस्से पर ज़रूर काम किया करो, कोई भी ब्राउन शेड हो, पिंक हो, वो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एसटी का जो है लैशेस ग्लू है, लैशेस पर मैंने अप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, लगाते ही साथ ही जो है ना लैशेस अप्लाई ना किया करो, थोड़ी देर एक दो सेकंड उसे ड्राई होने दो, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करनी, तो बहुत जल्दी से स्टिक हो जाती है, वरना जो हमारी गर्ल्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो बहुत परेशान होते हैं लैशेस लगाते हुए, ठीक है। इन छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आप भी इस तरह से काम कर लोगे। अच्छी तरह से आईब्रोज़ को और आईज़ को स्टिच करते हुए आपने लाइट से छोटे से ब्रश के साथ इस तरह से इसे कॉर्नर्स को पुश करना है, दबाना है, ताकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। देन लास्ट में हमने लाइनर अप्लाई करना है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला लाइनर नहीं लगाया, सिंपल सा लाइनर लगाया है। एक्वा जेल लाइनर था मेरे पास यहाँ पर, ये आप इसे सीलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे वाटर के साथ भी लगा सकते हो, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। ब्राइड्स के लिए नहीं चलता सीलर या वाटर के साथ, आप ब्राइड्स के लिए जेल लाइनर ही अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो फैलता नहीं है, वो ज़्यादा मैस नहीं होता, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा जो है ख्याल करना पड़ता है। अच्छा जी, आउटर कॉर्नर पे मैंने हल्का सा जो है नीचे भी काम किया है आइज़ के साथ, ताकि आइज़ थोड़ी बड़ी और ओपन लगें। बिल्कुल सिंपल और ईजी मेकअप है, सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।